हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से। तो चलिए इसके अबाउट हम लोग डिटेल्स जानते हैं। और डिटेल्स जानने से पहले अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन लाते रहता हूँ। तो चलिए इसके अबाउट हम लोग डिटेल्स जानते हैं। तो देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट क्लास 4 ऑनलाइन फॉर्म 2021, और इसको 28/10/2021 को इसको पोस्ट किया गया था, बट अप्लाई लिंक यहाँ पर नहीं दिया था। ओके, तो लेटेस्ट अपडेट आया है 13/11/2021 को। तो देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी 728 है, 728। तो एप्लीकेशन फ़ी जानते हैं। तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 216.17 रुपीज़ लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसमें देखिए, आपका एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ प्लस चार्ज आप लोग का इंक्लूड किया हुआ है। ओके, और फॉर रिजर्व कैटेगरी अगर जैसे कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएफ कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 116.70 रुपीज़ लगेंगे। ओके, इसमें आप लोग का एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा, फिर चार्जेस इंक्लूड किया गया है। तो इसका पेमेंट मोड आप ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए, 13/11/2021 आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और 28/11/2021 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं एज लिमिट में। तो देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 18 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। अगर आपका एज 18 से 40 साल के बीच में हो रहा देन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एज रिलैक्सेशन हम लोग नीचे देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग वैकेंसी डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए, ड्राइवर के लिए इसमें पोस्ट 70 है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। मेंटोर, वॉचमैन, वाटर कैरियर के लिए इसमें टोटल पोस्ट 775+15+1 है। ओके, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 8 पास होना चाहिए। माली के लिए देखिए 51+2 पोस्ट है, तो जिसके लिए क्वालिफिकेशन 8 पास होना चाहिए। स्वीपर के लिए देखिए 113+1 लेकिन फीस है टोटल, तो देखिए इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। तो चलिए अब हम लोग एज रिलैक्सेशन देखते हैं। तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट म्यूनसिपलिटी गार्ड को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। गवर्नमेंट म्यूनसिपलिटी गार्ड रिजर्व कैटेगरी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जितने भी यहाँ पर कैटेगरीज है सभी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप एसटीएफसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका एज 40 से ओवर हो रहा है, 18 से 45 के बीच में, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अभी हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें आप लोग का डायरेक्ट इंटरव्यू होगा जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। ओके, जिसमें आप लोग को अपना ओल्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पर जाना है। ओके, 2 से 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाइएगा आइडेंटिटी प्रूफ इंटरव्यू के लिए। इसमें किसी भी तरह का एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग सैलरी का अबाउट जानते हैं। तो सैलरी में देखिए, आपका इसमें सैलरी आपका विल बी पेड एज पर द कलेक्टर रेट। तो आपका कलेक्टर रेट के अकॉर्डिंग आप लोग का ये सैलरी डिफाइड किया जाएगा। तब हम लोग जानते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट। तो देखिए, हम लोग ड्राइवर के लिए जानते हैं एमपी में अलीराजपुर में टोटल पोस्ट 1 है ड्राइवर के लिए। अनूपपुर के लिए टोटल पोस्ट 3 है। भोपाल में ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट है।
बुरहानपुर के लिए टोटल पोस्ट एक है, छतरपुर के लिए दो पोस्ट हैं, छिंदवाड़ा के लिए एक पोस्ट है, दामोह के लिए तीन पोस्ट हैं, ओके, दतिया के लिए दो पोस्ट हैं, देवास के लिए एक पोस्ट है, धार में दो पोस्ट हैं, डिंडोरी में एक पोस्ट है, ग्वालियर में तीन पोस्ट हैं, हरदा में एक पोस्ट है, ओके। इसी तरफ आप देखते जाइएगा, होशंगाबाद में दो पोस्ट हैं, इंदौर में एक पोस्ट है, जबलपुर में आठ पोस्ट हैं ड्राइवर के लिए, झाबुआ के लिए दो पोस्ट हैं, खंडवा के लिए दो पोस्ट हैं, कटनी के लिए दो पोस्ट हैं, मांडला के लिए दो पोस्ट हैं, मंदसौर के लिए दो पोस्ट हैं, मुरैना के लिए तीन पोस्ट हैं, नरसिंहपुर के लिए तीन पोस्ट हैं, नीमच के लिए दो पोस्ट हैं, राजगढ़ के लिए एक पोस्ट है, सागर के लिए दो पोस्ट हैं, रतना के लिए एक पोस्ट है, सीहोर के लिए एक पोस्ट है, सिवनी के लिए दो पोस्ट हैं, राजापुर के लिए तीन पोस्ट हैं, फयोपुर के लिए एक पोस्ट है, शिवपुरी के लिए एक पोस्ट है, सीधी के लिए एक पोस्ट है एंड उज्जैन के लिए तीन पोस्ट हैं। तो ड्राइवर के लिए इसमें टोटल वैकेंसीज 69 है, ओके। तो आप लोग देखिए इसी तरह से चौकीदार के लिए भी देख सकते हैं और जलवाहक के लिए। तो देखिए इसी तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं कितने पोस्ट हैं, तो ये है पोस्ट। और अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो ये यहाँ से देख सकते हैं, ओके। तो चलिए देखिए, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं चौकीदार के लिए। अब हम लोग आते हैं माली के लिए। तो माली के लिए देखिए अपने डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं, अशोकनगर में एक पोस्ट है, बड़वानी में दो पोस्ट है, बैतूल में एक पोस्ट है, भिंड में एक पोस्ट है, इसी तरफ आप देखते जाइए, भोपाल में एक पोस्ट है, ओके। तो आप देख लीजिए, अगर वीडियो स्पीड चल रहा हो तो आप वीडियो में एक यूट्यूब में एक फैसिलिटीज़ है कि आप वीडियो को स्पीड कर सकते हैं, फ्लो भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से देख लीजिए, तो देखिए सिलेक्शन आपका इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, ओके। और इंटरव्यू में कुछ टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में रहता है कि फिर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू में देखिए माली ड्राइवर के रिगार्डिंग ये वैकेंसी है, तो आपको ड्राइवर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि रिवर्स कैसे किया जाता है, ओके, पास करने के लिए कौन सा कैसे पास करना होता है, कैसे रोड क्रॉस किया जाता है, कैसे रोड क्रॉस किया जाता है, ओके। और गाड़ी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे, रिवर्स कैसे किया जाता है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को, अगर आप ड्राइवर हैं तो आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप माली हैं तो, अगर आप माली के लिए अप्लाई किए हैं तो आप लोगों को माली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। और इसी भी तरह से आप लोग को इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरफ से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, और देन जैसे ही इंटरव्यू आप लोग का क्लियर हो जाता है, देन आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपके मेल में या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ज्वाइनिंग लेटर आएगा या फिर मेल के थ्रू, एंड देन आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो आई होप इस वीडियो से
आपको क्लियर हो गया होगा इफ़ जॉब की रिगार्डिंग, वैकेंसी की रिगार्डिंग। और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको इस जॉब से रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा, एंड किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो से अगर आपको हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।